कैरम कॉम्पिटिशन था और यहाँ पे है गर्ल्स टीम और वो है बॉयज टीम। तो गर्ल्स टीम एंड बॉयज टीम कर रही है तो बने रहे हमारे वीडियो में, देखते हैं कि कौन जीतता है इस कैरम कॉम्पिटिशन में। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज संडे है, जैसे कि ब्लॉग मेरा जैसा ने स्टार्ट कर दिया है और आज संडे को ट्यूशन ऑफ रहता है, तो इस वजह से हमारे जो बड़े शैतान से बच्चे हैं ना, इन्होंने कहा कि आज कैरम खेलेंगे हम लोग। तो हम लोग अब आज कैरम कॉम्पिटिशन करा रहे हैं। हाँ, अभी हमारा कैरम स्टार्ट हुआ नहीं है, गेम स्टार्ट नहीं हो रखा है क्योंकि अभी जो एक पार्टिसिपेंट्स है ना हमारा, वो पानी भरने गया है क्योंकि पानी की बहुत कमी हो रही है, पानी आ नहीं रहा है और नदी भी गंदी आ रखी है बारिश की वजह से इसलिए। और पीछे हमारी गर्ल्स टीम है, फिर इन दोनों टीम में से जो गर्ल्स और बॉयज जीतेगा वो मेरे साथ खेलेगा आपके साथ, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। इतनी हिम्मत नहीं है आप तो बहुत हो, इसमें तो दिमाग का खेल है, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है। और बाकी के सुबह के सारे काम जो है वो मैंने निपटा दिए हैं, मतलब 9:30 बजे मैं फ्री हो गई थी और संडे था तो थोड़ा लेट ही उठे क्योंकि लेट में सोए थे, कल सैटरडे था। जो आपके साथ जीतेगा मैं किसी को जीत नहीं दूंगी, जीत गया तो उसको मेरी तरफ से 5 रुपए की चॉकलेट। तो मेरे ट्यूशन का एक स्टूडेंट प्रकाश जो सबसे ज्यादा शैतानी करता है, ठीक है, आज कैसा लग रहा फिर तेरे को? तो यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं, हालांकि अभी छोटे बच्चे आए नहीं क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा है वो सिर्फ हमारे बड़े बड़े जो बच्चों के बीच में ही हो रहा है। अभी ये लोग ऐसे ही खेल रहे गेम यहाँ पे। हमारी जिज्ञासा वैष्णवी, हेलो, ये माही, गुंजन का भाई विराट, अब कल वीडियो देखना, यह है भूपेंद्र, रोहन, प्रकाश और ये है हर्षित, बाकी और बच्चे आए नहीं है। तो चलिए फिर अभी जब गेम स्टार्ट होता है फिर दिखाते हैं आपको। हमारी गर्ल्स टीम का जो है गेम स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे स्टार्ट गेम कर रही है ठीक है वैष्णवी। चलो वेरी गुड, चलिए आराम से खेलिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा गेम में, ठीक है, मजाक में, और झगड़ा किसी का नहीं होना चाहिए। तो झगड़ा करेगा गेट आउट, सीधे निकल जाना। बॉयज टीम का भी गेम स्टार्ट हो गया है, कौन स्टार्ट कर रहा है गेम? कर लो, चलो हर्षित, कोई बात नहीं, कोई भी स्टार्ट कर लो। अरे कोई बात नहीं, एक ने तो स्टार्ट करना ही है गेम, क्या हो गया? विराट विराट आप इधर बैठ जाओ, हो गया शुरू, चीटिंग कोई नहीं करना ठीक है ना, और आराम से खेलना सुनसान से। बाकी इधर गर्ल्स टीम का सही चल रहा है? सब सिंगल सिंगल हैं ठीक है ना, दोस्तों बॉयज टीम का अभी गेम स्टार्ट हुआ, दूसरे राउंड में ही प्रकाश जी जो है बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं, एक भी गोटी ले जा नहीं पाए, बस इनका मुंह ही मुंह चलता है।
ये देखो प्रकाश बहुत खुश था कि हम कैरम खेलेंगे, लेकिन प्रकाश को मौका ही नहीं मिला खेलने के लिए, उसके भाई ने उससे सारा मौका छीन लिया। अब आप सिर्फ गेम को एंजॉय कीजिए, ठीक है। गर्ल्स टीम में वैष्णवी सबसे पहले आउट हो गई है और थोड़ा सा यहाँ पर सैड वाली फीलिंग्स में नजर आ रही है वो, मुझे लगता है थोड़ी देर में कहीं रो भी ना जाए। वैष्णवी रोने का नहीं है, गेम है ये गेम। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 11:30, ऊपर देख सकते हैं टाइमिंग, और गर्ल्स टीम ने जो है कैरम खेला तो उसमें रही विनर गुंजन, और गुंजन के साथ फिर मैंने खेला तो फिर मैं जीत गई, और बाकी यहाँ बॉयज का गेम चल रहा है 1.5 घंटे से, ये लोग ना हारने को हार नहीं मानते दोनों में से एक जना। और क्या है भूपेंद्र का इतना टक्कर का गेम चल रहा है ना, माय गॉड पता नहीं कितना टाइम और लेंगे ये। और वैष्णवी यहाँ पर योगा कर रही है, और मैंने इनसे बहुत बोर हो गई, अब एक जना एक को हरा नहीं रहा है। क्या होता है गेम में, मुझे तो लग नहीं रहा इनका गेम एंड होगा और फिर उसके बाद मैं इनके साथ खेलूंगी, मैं तो खेलूंगी भी नहीं, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया, इतनी बोरियत फैला रहे ना, क्योंकि अगर मैच हो तो फिर एकदम से जीत हार भी हो जानी चाहिए, पर मतलब थोड़ा टाइम ले हो, लेकिन ये तो 1.5 घंटे से ऐसे ही खेल रहा है, और मुझे लग रहा है इनका गेम कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, वो कह रहा मैं नहीं हारूंगा, वो कह रहा मैं नहीं हारूंगा, तो दोनों जब हारना नहीं है दोनों को तो जीतेगा भी कोई नहीं, मतलब गेम इनका ऐसे ही चलेगा, तो मुझे लग रहा है बीच में टाई हो जाएगा इनका गेम, ऐसे ही रहेगा, खेलते रहो तुम यहाँ पर। खेलते खेलते इनको 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं भी इनसे परेशान हो गई हूँ। तो हम लोगों ने गेम का विनर वही होगा, कितने कितने थे आपके पास, दोनों ने 80-80 गोटियां भरी हैं, अगर 80 में से दोनों को अपनी 80-80 गोटियां ले जानी है, अगर 80 में से जो दूसरे वाले पार्टिसिपेंट्स की अगर ज्यादा गोटी लेके जाएगा तो वो विनर होगा, चाहे वो 10 भी ज्यादा क्यों नहीं लगा लेके गया, ठीक है ना। 80 से अगर 90 ले गया तो वो विनर होगा, क्योंकि ये दोनों हार नहीं रहे, और मैं चाहती हूँ कि अब गेम एंड हो जाए, ठीक है। और आप ध्यान से दूसरे की गोटी लेके जानी है, भले ही 10 क्यों ना हो। ये कितना आगे से खेल रहा है, अब तो बॉलर आगे से खेल रहा है, हां फिर वो देखो दिख रहा है, और सब देख रहे हैं कि कौन अब जीतेगा, क्योंकि ये लोग भी परेशान हो गए। प्रकाश तो कहां-कहां से घूम घूम के आ गया, प्रकाश पहले हार गया, अपने कैरम भी घूम खेल रहा है, इधर से लगा है, इधर से लगा है, देख इधर से लगा है, मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, ले गया। मैम के साथ नहीं, अब मैं नहीं खेल रही, अब खाना बना रही हूँ। इस गेम के विनर हो चुके हैं हर्षित और गुंजन, चलो इन दोनों को एक एक चॉकलेट दिया जाए। अब फिर से खेलने लग गए क्या, ये लो गुंजन और हर्षित, चलो इस गेम को अब यहीं पर एंड कर देते हैं, इस गेम को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि 2 घंटे से गेम चल रहा है, इनका थक भी गए हैं, और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दाल मैंने यहाँ पे बॉईल कर दी है, फिर अभी दाल जो है सिटी आ जाएगी तो फिर मैं बनाऊँगी चावल, और अच्छा लगा, मज़ा आया आज तो, वैसे जाओ अब, बाय बाय।
तो चलिए इस गेम को हम लोग एंड कर देते हैं, गेम को नहीं ब्लॉग को। हाँ 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 करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग में। जिज्ञासा को खूब गर्मी हो रही है, सारा काम करके आ रखी, वो अभी नदी चलेंगे और इनको हो रही है कि नदी में हम लोग नहाने जाएं। पागल हो क्या? अभी कुछ नहीं आता, चलेंगे ना प्लीज। पहले खाना बनाते हैं क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया नहीं है। भाभी ने दलिया और थोड़ा उपमा बनाया था, वही दिया था, तो मैंने तो थोड़ा सा चखा, बाकी पंकज सर ने दलिया वगैरह खाया। 12 बज गए हैं और खाना बनाते हैं, खाते हैं। चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि आपको आज क्या बच्चों का कैरम वाला गेम और कैरम गेम में खूब मज़ा आया होगा। वैसे का रोटी हो गया था पहले में ही, सटक गई थी वो। तो चलिए फिर बाय बाय। सर वो सटक गई थी पहले में।